गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन. आई एम रेशमा शेख. आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट. मेरा नाम क्या है? रेशमा शेख. और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी आज? इंग्लिश का सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? Now I will show you a PPT. With the help of PPT, we will study today's lesson. क्या पढ़ेंगे आज हम? Look, listen and see. आज हम लोग क्या करेंगे? Revision करेंगे. आज मैं आप लोग की क्या करूंगी? Previous knowledge check करूंगी कि आप लोगों को कितना याद है, कितना आप लोग भूले. Okay? Ready आप लोग? Start करें हम लोग आज का lesson. Very good, Mehiba. Now I will show you a PPT. आप लोग देखे अभी ये स्लाइड देखे. टेल मी द नेम ऑफ अ पिक्चर. जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग. किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड. क्या है ये? आइसक्रीम. दिस इज अ आइसक्रीम. अब नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड देखे आप लोग. देखे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड. चलिए मुझे अभी क्या करेंगे आप लोग, इस पिक्चर का नेम बताएंगे. किस चीज की पिक्चर है ये? देखे आप लोग, कौन सा एनिमल ये? वेरी गुड जीशान. क्या है ये? कैट है. कैट देखो कैसे टॉकिंग कर रही है, देखे आप लोग. चलो अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे. हाँ, सीट केयरफुली एंड टेल मी द नेम ऑफ अ पिक्चर. किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड जोहा, मरियम. वेरी गुड बच्चों. किस चीज की पिक्चर है ये? एप्पल. एप्पल आपको क्या कर रहा है? हाई कर रहा है ना. जल्दी जल्दी आप लोग भी इसको हाई करो. हेलो बोल रहा है ना वो. वेरी गुड आयशा. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लुक लिसन एंड से. क्या करेंगे आज हम? लुक लिसन एंड से पढ़ेंगे. और क्या है ये? आप लोग का रिवीजन है ना ये. आई मैं चेक करूंगी आप लोगों को कितने अच्छे से याद है. नाउ आई विल शो यू आर नेक्स्ट स्लाइड. सीट केयरफुली एंड टेल मी द नेम ऑफ अ पिक्चर. वेरी गुड बच्चों. किस चीज की पिक्चर है ये? देखे आप लोग. वेरी गुड. क्या है ये? डक. वेरी गुड आरिस. किस चीज की पिक्चर है ये? डक है. वेरी गुड मेहिबा. नाउ आई विल गिव यू अ लिटिल नॉलेज अबाउट डक. अभी क्या है, हम डक के बारे में सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज लेंगे. डक्स आर बर्ड्स. डक्स को क्या बोलते हैं? ये डक है. डक क्या होता है? एक परिंदा होता है, एक बर्ड्स होती है. That are also called waterfalls. क्या बोलते हैं इसको? और waterfalls भी बोलते हैं, because they are normally found in place with water. ज्यादातर कहाँ पाया जाता है ये? पानी की जगह पे पाया जाता है, पानी के आसपास पाया जाता है. Very good बच्चों. Like river, lake and ponds. छोटे छोटे तालाब रहते हैं, झील रहती है, तो कहाँ पाया जाता है ये? ज्यादातर पानी के आसपास पाया जाता है. This is because ducks love the water. क्यों? क्योंकि डक को क्या पसंद है? पानी बहुत ज्यादा पसंद है. वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग. डक को क्या पसंद है? पानी बहुत ज्यादा पसंद है. Now we will see how to write word duck in English. अब डक को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अभी हम वो देखेंगे. डी U C K duck. D U C K duck. Duck में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? Duck में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? Very good. Four अल्फाबेट्स हैं. कितने अल्फाबेट्स हैं? Four अल्फाबेट्स. First अल्फाबेट हमारा क्या है duck में? फर्स्ट अल्फाबेट. वेरी गुड मेहिबा. फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है? डी. और लास्ट वन हमारा अल्फाबेट कौन सा है? लास्ट अल्फाबेट. जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए मुझे चैट बॉक्स के थ्रू. वेरी गुड के. क्या है? के. डी यू सी के डक. वेरी गुड बच्चों. नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड. देखे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड. किस चीज की पिक्चर है ये? कौन सा एनिमल है? वेरी गुड. क्या है ये? डॉग.
कौन सा एनिमल है ये? डॉग. नाउ आई विल टेल यू अबाउट डॉग. क्या है ये? डॉग है. डॉग इज अ पैट एनिमल. डॉग क्या है? ये पैट एनिमल है. ये हमारे घर के आसपास पाया जाता है ना. देखे आप लोग डॉग को? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट साउंड्स डॉग्स मेक. डॉग कैसा साउंड निकालता है? कैसा साउंड निकालता है डॉग्स? बोवो. वेरी गुड. कैसा बोलता है ये? बोवो. अब क्या पढ़ेंगे हम? नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड डॉग इन इंग्लिश. अब डॉग को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अभी हम वो देखेंगे. डॉग टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करिए. वेरी गुड जीशान. टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? 3 अल्फाबेट से. डी ओ जी डॉग. डी ओ जी डॉग. डॉग में मिडल अल्फाबेट, मिडल जो बीच में आया वो अल्फाबेट कौन सा है? जो बीच में आया ना एंड में है ना फर्स्ट में. वेरी गुड फरीद. क्या है? ओ है. ओ क्या है? हमारा मिडल अल्फाबेट है. फर्स्ट अल्फाबेट हमारा डी ओ जी डॉग. डी ओ जी डॉग. वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिप्लाई करे आप लोग. नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड. सीट केयरफुली देखे आप लोग. किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड. क्या है ये? डॉक्टर. वेरी गुड आरिस. क्या है ये? डॉक्टर. व्हाई वी गो टू डॉक्टर? हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं हम डॉक्टर के पास? वेरी गुड. जब हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं. वेरी गुड हारिस. वी गो टू डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट. लाइक वी हैव टू फीवर कफ एक्सेट्रा. क्या होता है? हमें जब बुखार होता है, सर्दी है, खांसी, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर गिव अस टैबलेट और सम टाइम डॉक्टर गिव अस इंजेक्शन. कभी कभी डॉक्टर क्या करता है? हमें टैबलेट्स देता है. कभी कभी क्या करता है? हमें इंजेक्शन भी देता है. इट डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ इशू. क्यों करता है वैसे? कभी टैबलेट देता है, कभी इंजेक्शन. क्यों? क्योंकि हमारे जो हेल्थ का इशू रहेगा, वो हेल्थ के इशू के हिसाब से हमें क्या करता है? वैसा ट्रीट करता है. वेरी गुड बच्चो. Now we will learn how to write word doctor in English. Very good. सर्दी हुई हो तभी भी हम जाते. Very good मेहबा. Doctor. D O C T O R. Doctor. Doctor total कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? वेरी गुड उमेरा. कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? टोटल 6 अल्फाबेट से. कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? 6 अल्फाबेट से. फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या हो गया डॉक्टर में? वेरी गुड इकरा. क्या हो गया हमारा फर्स्ट अल्फाबेट? डी. डी फॉर डॉक्टर. डी ओ सी टी ओ आर. लास्ट अल्फाबेट हमारा क्या हो गया डॉक्टर में? लास्ट अल्फाबेट. Very good. R. D for doctor. Now I will show you next slide. देखे आप लोग. You have to tell me which is starting alphabets of all these picture. कौन से अल्फाबेट से ये स्टार्ट हुआ है? अभी आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे. क्या है ये? डक है, डॉग है और डॉक्टर है. कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ ये? वेरी गुड आयशा. वेरी गुड जिशान. कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है? डी. डी फॉर डक. डी फॉर डॉग. डी फॉर डॉक्टर. वेरी गुड बच्चों. वेरी गुड. डी फॉर डक. डी फॉर डॉग. डी फॉर डॉक्टर. Now I will show you next slide. देखे आप लोग ये स्लाइड. देखे किस चीज की पिक्चर है ये? जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करिए आप लोग. किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड. क्या है ये? फ्रिज है. फ्रिज आप लोग के घर में भी है ना? फ्रिज सबके घर में रहता है ना नॉर्मली? फ्रिज
Why we use fridge in our daily life? हम फ्रिज का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में क्यों करते हैं? वेरी गुड बच्चो, वी यूज फ्रिज फॉर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. हम फ्रिज में क्या रखते हैं? ठंडा पानी रखते हैं, ठंडा पानी पीते हैं. पीते हैं ना आप लोग? वेरी गुड. प्रोटेक्ट फूड्स, वेरी गुड. वेजिटेबल्स को भी हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. फ्रूट्स को भी करते हैं. प्रोटेक्ट फूड्स फ्रॉम जर्म्स एंड टू कीप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेव एंड फ्रेश. क्या करते हैं हम? हमारी चीजों को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को हम क्या करते हैं? फ्रिज में सेव करके रखते हैं, क्योंकि वो जर्म्स ना लगे उसमें. वेरी गुड. हम लोग फ्रिज में जूस भी रखते हैं, आइसक्रीम भी रखते हैं. वेरी गुड बच्चों. फ्रिज का यूज हम क्यों करते हैं? ठंडा पानी पीने के लिए करते हैं. हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी चीजों को मतलब क्या करते हैं? सेव करते हैं उसमें. Now we will learn how to write word fridge in English. अब फ्रिज को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अभी हम वो देखेंगे. F R I D G E, फ्रिज. फ्रिज टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? कितने अल्फाबेट से? वेरी गुड, सिक्स अल्फाबेट से. टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है फ्रिज? सिक्स अल्फाबेट से. F R I D G E, फ्रिज. फ्रिज में लास्ट अल्फाबेट कौन सा? लास्ट जो सबसे एंडिंग में है. वेरी गुड जीशान, क्या है? E. और फर्स्ट अल्फाबेट? फर्स्ट अल्फाबेट. वेरी गुड मरियम. एफ. एफ फॉर फ्रीज. एफ फॉर फ्रीज. नाउ आई विल शो यू योर नेक्स्ट स्लाइड. देखे आप लोग किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड. क्या है ये? दिस इज अ फ्रॉग. स्टूडेंट्स, फ्रॉग इज वॉर्न बाय गर्ल्स. फ्रॉग कौन पहनते हैं? गर्ल्स लोग पहनते हैं ना. देखे आप लोग कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक्स है ना इसमें. Frocks come with different colors, material, design and shapes. क्या होता है मार्केट में हमें क्या होता है? आसानी से अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग मटेरियल के क्या होती है फ्रॉक्स? आसानी से हमें क्या मिलती है? मार्केट में मिलती है. और हम हमारी पसंद से, कलर से, डिजाइन से क्या करते हैं? फ्रॉक को खरीदते हैं. वेरी गुड बच्चों. नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड फ्रॉक इन इंग्लिश. देखे आप लोग फ्रॉक. एफ आर ओ सी के, फ्रॉक. फ्रॉक में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? वेरी गुड बच्चों. फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? एफ. एफ फॉर फ्रॉक. और लास्ट अल्फाबेट के. वेरी गुड. एफ फॉर फ्रॉक. फ्रॉक टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बनी है? टोटल कितने अल्फाबेट से इसमें? वेरी गुड सदिका, कितने अल्फाबेट से? फाइव अल्फाबेट्स. एफ आर ओ सी के, फ्रॉक. नाउ आई विल शो यू योर नेक्स्ट स्लाइड. अभी क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे. ये क्या है? एक फ्रॉक पढ़े हमने और ये क्या है? फ्रॉग. क्या है ये? वेरी गुड आरिस, क्या है ये? फ्रॉग. आई विल टेल यू लिटिल अबाउट फ्रॉग. अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रॉग के बारे में सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज लेंगे. स्टूडेंट्स, फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. देखे आप लोग मेंढक. फ्रॉग को क्या बोलते हैं? मेंढक बोलते हैं ना. ये पानी में भी रहता है, ये जमीन में भी रहता है ना. दोनों जगह रहता है ना. देखे ना आप लोग. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट साउंड्स फ्रॉग मेक. फ्रॉग कैसी आवाज निकालता है? इसकी साउंड कैसा रहता है? कैसे बोलता है फ्रॉग? वेरी गुड. कैसे बोलता है वो? टर्टर. कैसे बोलता है? टर्टर बोलता है ना. सुने आप लोग कभी? नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड फ्रॉग इन इंग्लिश. अब फ्रॉग को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अभी हम वो देखेंगे. एफ आर ओ जी, फ्रॉग. फ्रॉग टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है?
टोटल कितने अल्फाबेट्स है? वेरी गुड हुमेरा, वेरी गुड आयशा, कितने अल्फाबेट्स है? फोर। सेकंड पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है? सेकंड नंबर पे। वेरी गुड उम्मेहिबा, सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? आर ओ जी, एफ आर ओ जी, फ्रॉग। फ्रॉग किससे स्टार्ट हुआ है? स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है? वेरी गुड जीशान, एफ, एफ फॉर फ्रॉग। और लास्ट अल्फाबेट हमारा क्या हो गया है? वेरी गुड जी, एफ आर ओ जी, फ्रॉग। वेरी गुड बच्चों, नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। देखें आप लोग इस स्लाइड में क्या है, फ्रीज है, फ्रॉक है और फ्रॉग है। अब आप लोग मुझे क्या बताएंगे कि इसमें स्टार्टिंग अल्फाबेट्स कौन सा है? ये देखिए आप लोग पिक्चर, अब ये सारी पिक्चर कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हुई है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, एफ, एफ फॉर फ्रीज, एफ फॉर फ्रॉक और एफ फॉर फ्रॉग। वेरी गुड बच्चों, कौन से अल्फाबेट से ये, कौन से वर्ड से ये, फ्रीज, फ्रॉक और फ्रॉग्स, इसमें स्टार्टिंग अल्फाबेट कौन सा है? एफ। वेरी गुड, नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आप लोग किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड, दिस इज अ मैंगो। वेरी गुड, क्या है ये? मैंगो। डू यू लाइक मैंगोस? मैंगोस पसंद है आप लोग को? खाते हो आप लोग शौक से? वेरी गुड बच्चों, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो क्या है? सारे फ्रूट्स का क्या है? किंग है। नाउ टेल मी कलर ऑफ अ मैंगो। देखे आप लोग ये पिक्चर में कौन से कलर का मैंगो है ये? मैंगो को नॉर्मली कलर क्या होता है? वेरी गुड येलो। वेरी गुड साधिका, येलो। देर आर वेरियस टाइप ऑफ मैंगो इन द मार्केट। क्या होता है हमें मार्केट में अलग अलग तरह के मैंगोज मिलते हैं। मैंगोज के भी कितने नाम होते हैं, दशहरी, हापुस, बादामी, है ना, ऐसा देखे ना आप लोग। और हम क्या करते हैं, मैंगो से हम लोग क्या बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं। मैंगो का यूज भी हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आप लोग को पसंद है मैंगोस? वेरी गुड, नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड मैंगो इन इंग्लिश। अब मैंगो को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अभी हम वो देखेंगे। M A N G O, मैंगो। मैंगो टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? टोटल कितने अल्फाबेट से मैंगो में? वेरी गुड, फाइव। फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया मैंगो में? M। वेरी गुड, M फॉर मैंगो, M A N G O, मैंगो। नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। देखें आप लोग क्या है ये? वेरी गुड, क्या है ये? मग है। मग है ना ये? व्हाई वी यूज मग इन आवर डेली लाइफ? हम मग का इस्तेमाल क्यों करते हैं हमारी डेली लाइफ में? वेरी गुड, वी यूज मग टू ड्रिंक कॉफी, टी, मिल्क एक्सेट्रा। वेरी गुड, चाय पीने के लिए मग का यूज करते हैं हम, कॉफी के लिए, दूध के लिए। वेरी गुड, देर आर वेरियस टाइप, डिजाइन, कलर्स ऑफ मग अवेलेबल इन द मार्केट। क्या होता है मार्केट में अलग अलग साइज के छोटे मग, बड़े मग, अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग कलर के, क्या होता है, आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड मग इन इंग्लिश। अब मग को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अब हम वो देखेंगे। मग में टोटल कितने अल्फाबेट्स है? वेरी गुड, कितने अल्फाबेट्स है? टोटल थ्री अल्फाबेट्स है, एम यू जी, मग। मग का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? वेरी गुड, एम। एम के बाद यू, और लास्ट अल्फाबेट क्या हो गया मग में? जी। लास्ट अल्फाबेट क्या है? जी। वेरी गुड, एम यू जी, मग। नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। देखें आप लोग ये स्लाइड किस चीज की पिक्चर है ये? वेरी गुड, दिस इज अ मोबाइल। व्हाई वी यूज मोबाइल इन आवर डेली लाइफ? हम मोबाइल का यूज हमारी डेली लाइफ में करते हैं ना, रोजाना करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं हम?
वेरी गुड. वी यूज मोबाइल फॉर वेरियस पर्पस. हम क्या कहते हैं, अलग अलग वजह से मोबाइल का यूज करते हैं, लाइक कॉलिंग के लिए, मैसेजेस के लिए, गेम खेलने के लिए, कैलकुलेशन के लिए. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के डेट में हम मोबाइल का यूज क्यों करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए. अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस किसके थ्रू ले रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही ले रहे हैं ना, मोबाइल में ही देख रहे हैं ना आप लोग. वेरी गुड. नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड मोबाइल इन इंग्लिश. अब मोबाइल को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अब हम वो देखेंगे. एम ओ बी आई एल ई मोबाइल. वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिप्लाई करे आप लोग. मोबाइल, मोबाइल में लास्ट अल्फाबेट क्या है, लास्ट, सबसे एंडिंग में. वेरी गुड. में हिबा क्या है, ई. और फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है हमारा, एम. एम फॉर मोबाइल. मोबाइल टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है, टोटल कितने अल्फाबेट से, कितने अल्फाबेट से, वेरी गुड, सिक्स अल्फाबेट्स. एम ओ बी आई एल ई मोबाइल. वेरी गुड बच्चों. नाउ आई विल शो यू अ नेक्स्ट स्लाइड. देखे आप लोग स्लाइड, देखे आप लोग. नाउ टेल मी विच इज स्टार्टिंग अल्फाबेट्स ऑफ ऑल दीज पिक्चर्स. अब इसमें स्टार्टिंग अल्फाबेट्स क्या है, अब आप लोग मुझे वो बताएंगे. मैंगो है, मग है और मोबाइल है. वेरी गुड बच्चो, वेरी गुड बच्चो. एम, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मग, एम फॉर मोबाइल. वेरी गुड बच्चो. क्या है ये, एम के वर्ड्स है. स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, मैंगो में एम, मग में भी एम और मोबाइल में भी एम. नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड. देखे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये बर्ड्स है. और ये क्या है जिसमें बर्ड्स बैठी है, वो क्या है, वेरी गुड आरिस. क्या है ये, नेस्ट. क्या है ये, नेस्ट. नेस्ट पता है आप लोग को, एज यू ऑल नो नेस्ट इज द हाउस ऑफ अ बर्ड. नेस्ट क्या है ये, बर्ड्स का, परिंदों का क्या होता है, घर होता है. अभी हमारा भी घर है ना, हम भी हाउस में रहते हैं ना, तो वैसे ये नेस्ट क्या है, परिंदों का घर है. दे मे बी कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ट्रीज, ग्रास एंड लीव्स. ये नेस्ट किसकी मदद से बनता है, देखे आप लोग, ग्रास किसकी मदद से बनता है, झाड़ी रहती है, छोटी छोटी सी पत्तियां रहती है, वो सब मिला के चिड़िया बर्ड्स जो रहती है दिन भर उसको कलेक्ट करती है और फिर उससे क्या करती है, अपना नेस्ट बनाती है, अपना घर बनाते हैं लोग. नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड नेस्ट इन इंग्लिश. अब नेस्ट को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अब हम वो देखेंगे. नेस्ट टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बनाए, जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करिए आप लोग. वेरी गुड. कितने अल्फाबेट से मिलके बना है, फोर अल्फाबेट से. फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया हमारा नेस्ट में, वेरी गुड, एन. और लास्ट अल्फाबेट, वेरी गुड, टी. एन फोर नेस्ट, एन फोर नेस्ट. नाउ आई विल शो यू अ नेक्स्ट स्लाइड. देखिए आप लोग क्या है ये, नट. अखरोट, अखरोट पता है ना आप लोगों को. नट इज अ ड्राई फ्रूट. बादाम तो ऐसे ही क्या है ये, नट है. नट भी क्या है ये, ड्राई फ्रूट है. खाए आप लोग अखरोट. ईटिंग नट्स एज पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट मे बी गुड फॉर योर हेल्थ. क्या होता है ये, ड्राई फ्रूट है और ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है. हमें क्या करना चाहिए, अखरोट को डेली लाइफ में क्या करना चाहिए, उसे खाना चाहिए. नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड नट इन इंग्लिश. अब नट को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे अभी हम वो देखेंगे. एन यू टी नट. नट टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड बच्चों. कितने अल्फाबेट से मिलके बना है, थ्री अल्फाबेट से. नट, फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या हो गया नट में, एन. वेरी गुड. और लास्ट अल्फाबेट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए मुझे. लास्ट अल्फाबेट हमारा क्या हो गया, टी. एन यू टी नट. टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है नट हमारा,
थ्री अल्फाबेट से। नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। देखे आप लोग किस चीज की पिक्चर है ये, देखे आप लोग। वेरी गुड, क्या है ये? नेट है। क्या है ये? नेट है। देखे ना आप लोग, देर आर वेरियस टाइप ऑफ नेट। नेट की भी क्या होती है, अलग अलग तरह की किस्में होती है। फॉर एग्जाम्पल, विच कैन यूज नेट टू कैच फिश। मछलियां भी हम लोग पकड़ते हैं समंदर में, वो नेट क्या होती है, अलग तरह की होती है। नेट इज ऑल्सो यूज इन स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल। नेट का इस्तेमाल हम और क्यों करते हैं, स्पोर्ट्स में भी करते हैं। जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं उसमें भी नेट का यूज होता है, फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, नेट का यूज होता है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट वर्ड नेट इन इंग्लिश। अब नेट को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, जल्दी जल्दी मुझे आप लोग रिप्लाई करिए। नेट, नेट टोटल कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? वेरी गुड, कितने अल्फाबेट से मिलके बना है? थ्री अल्फाबेट से, एन ई टी, नेट। फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है नेट में? फर्स्ट अल्फाबेट, वेरी गुड साधिका, वेरी गुड हारिस। फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है? एन, एन फॉर नेट। सेकेंड अल्फाबेट हमारा, सेकेंड अल्फाबेट ई। और लास्ट वन, लास्ट अल्फाबेट हमारा क्या है? टी, एन ई टी, नेट। वेरी गुड। अभी स्लाइड देखे आप लोग, अब आप लोग मुझे क्या बताएंगे, नेस्ट, नेट और नट, ये तीनों वर्ड्स कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हुए हैं? कौन से अल्फाबेट से? वेरी गुड, किससे स्टार्ट हुए हैं? एन से, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नट और एन फॉर नेट। देखें आप लोग रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड बच्चों, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नट और एन फॉर नेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अभी हमने जितना पढ़े हैं, अब मैं आप लोगों को क्या करूंगी, सिर्फ सरसरी तौर पे सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी। ओके, नाउ आई विल शो योर नेक्स्ट स्लाइड। वी विल रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे सो फार। देखे आप लोग, टुडे वी लर्न अल्फाबेट डी, एफ, एम एंड एन। आज हमने कौन से अल्फाबेट्स के बारे में पढ़े हैं? अल्फाबेट्स डी, अल्फाबेट्स एफ, एम और एन। देखें आप लोग, डी फॉर डग, डॉग और डॉक्टर। फिर एफ के अल्फाबेट्स पढ़े हमने, फिर एम के पढ़े, फिर एन के पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सेंड अ लिंक। अभी मैं क्या करूंगी, आप लोग को चैट बॉक्स में क्या करूंगी, एक लिंक सेंड करूंगी। आप लोग क्या करेंगे, वो लिंक पे क्लिक करेंगे और गूगल फॉर्म ओपन करेंगे। ओके, लिंक मिली बच्चों आप लोग को? ये लिंक ओपन करेंगे, मैं भी ओपन करती हूँ। ओके, चलिए ये लिंक ओपन हुई। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। अब मेरा नाम क्या है, रेशमा शेख, तो मैंने यहाँ पे क्या करी, अपना नेम लिखी। आप लोग भी अपना नेम लिखो। फिर स्कूल नेम, मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम विक्रोली की टीचर हूँ, तो मैं कट शॉर्ट में लिखूंगी, हाँ, ए के आई विक्रोली। अब आप अपने क्या करेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट,
अब मैं मुंबई सब अर्बन की हूँ तो मैंने मुंबई सब अर्बन पे क्लिक किया। अब आप लोग अकोला के हैं कोई अमरावती के, जो जहाँ है वो वहां पे क्लिक करो। ओके, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेम ऑफ द गिवन पिक्चर, देखे आप लोग पिक्चर कौन सा एनिमल है ये? राइट ऑप्शन में क्या करेंगे आप लोग? क्लिक करेंगे। वेरी गुड मरिया, मरियम का तो गूगल फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। फिर सेकंड, नेम ऑफ द गिवन पिक्चर, किस चीज की पिक्चर है ये? मैट है या नेस्ट है? फिर थर्ड क्वेश्चन, एम फोर डैश मैंगो या एप्पल? क्वेश्चन फोर, नेम ऑफ दी गिवन पिक्चर, फ्रॉक और फ्रॉग। वेरी गुड रीधा, वेरी गुड उम्मेहिबा, वेरी गुड बच्चों। फिर लास्ट वन हमारा क्या है? एम फोर डैश लैपटॉप या मोबाइल? जिसका ये हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन रेक्टेंगल में आप लोग ने देखे ऑप्शन है सबमिट का, उस ऑप्शन पे आप लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगी, वो नोटिफिकेशन में क्या रहेगा? व्यू स्कोर रहेगा। व्यू स्कोर पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को क्या रहेगा? स्कोर पता चल जाएगा कि आप लोग को 5 out of कितने मिले। ओके,